असल ये है ना कि मामला चल रहा है थोड़ा सा सेंसिटिव, तो अम्मी को है खतरा। तो अम्मी कह रही है बड़े घर से निकलना। अब ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने समझा दिया अम्मी को, अम्मी समझ गई थी। अम्मी को कोई क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, कर लिया था 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि निम्नलिखित सॉरी निम्न तीन सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीन सिक्के को एक बार उछालेंगे तो एक सिक्के को तीन बार उछालने बाद एक ही है, तो इसकी प्रत्येक समस्या क्या क्या बनेंगी वो लिख लो। प्रतिदर्श समष्टि, ठीक ना, सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे, एस इक्वल टू एक सिक्के को तीन बार या तीन सिक्के को एक बार, बात एक ही है, बनेंगे 8 प्रतिदर्श समष्टि। हमने बनाया था पहले, ठीक ना, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक बहुत बढ़िया, टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ठीक ना। कितने हैं, एनएस इक्वल टू 8, मतलब कुल संभावित जो परिणाम है हमारे पास वो है 8। अच्छा, पहला हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहे कि तीन चित्र प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो E इक्वल टू हो गया 3 चित्र प्रकट होना। इतने बड़े बड़े प्रकट होने तो क्या हाल होगा। देखो E अगर 3 चित्र प्रकट की बात कर रहा है तो एक ही घटना है HH, तो NE इक्वल टू हो जाएगा बस, तो PE इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन NS, तो 1/8, ठीक है। तो एक ही संभावना है ट्रिपल हेड का, एक ही संभावना है एन, मतलब कुल अनुकूल संभावित परिणाम, अनुकूल संभावित परिणाम, अनुकूल कितना है एक ही है ना, कुल संभावित परिणाम कितना है 8, तो क्या जाए 1/8 प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या था, अनुकूल संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, ठीक ना। सेकंड पार्ट देखो, उसमें दे रखा है दो चित्र प्रकट होना, एफ इक्वल टू है दो चित्र प्रकट होना, बात नहीं, देखो एफ इवेंट से दो चित्र प्रकट होता है, तो हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है ना। कितने इवेंट्स, कितने अवयव है, 3, तो एन एफ इक्वल टू कितना जाएगा 3, तो पी एफ इक्वल टू क्या जाएगा एन एफ अपॉन एन एस, तो 3/8। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं न्यूनतम, न्यूनतम ई एफ जी, न्यूनतम दो चित, देखो न्यूनतम दो चित की बात कर रहा है, कम से कम दो चित होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते है, तो जी इक्वल टू क्या जाएगा एच 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 एच, तीन चित भी हो सकते हैं, न्यूनतम दो की बात कर रहा है, कम से कम दो होने चाहिए, तो दो से तीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, तीन से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम कितना है इसमें 3 ही है, ठीक है। तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड 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 टेल, देखो कितना है एन जी इक्वल टू कितना 4, एन जी इक्वल टू 4, तो पी जी इक्वल टू कितना जाएगा एन जी अपॉन एन एस, तो जाएगा 4/8 बराबर 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने की है 1/2 की, क्लियर है, सिंपल है, ठीक हो। इसके बाद अधिकतम दो चित, चौथा नंबर है अधिकतम दो चित प्रकट, चित इसको रिप्रेजेंट करते किससे, किससे रिप्रेजेंट करें अधिकतम दो चित, ई एफ जी एच आई से, एच तो देख रहे हेडेड हेडल में, ठीक है ना। देखो आई की प्रोबेबिलिटी अधिकतम दो चित की बात कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम दो चित हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो इसमें दो से कम हो सकता है, दो से कम कितना 1 या 0 भी हो सकता है, लेकिन दो से कम दो नहीं हो सकता है, अरे अधिकतम कह रहे हैं कि अधिकतम दो चित ना,
मतलब मैक्सिमम लेवल कहां तक है? दो तक है। दो भी तो हो सकता है, दो से नीचे हो सकता है, दो से ऊपर नहीं हो सकता। दो भी तो हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो क्या क्या बनेगा? देखो हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। अच्छा मतलब जीरो वाले ले लिए, जीरो भी ले लिए ना, जीरो कितना मतलब तीन हेड, जीरो टेल है, सॉरी जीरो हेड है इसमें, टेल हो गया तीन। ठीक है, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो, सॉरी मतलब संख्या जो है जीरो भी हो सकती है, एक हो सकता है और दो हो सकता है हेडों की संख्या। कितने हैं इसमें इवेंट्स? सात। तो एन इक्वल टू कितना जाएगा? सेवन। तो पी आई इक्वल टू कितना जाएगा? सात बटे आठ, सात बटे आठ। देखो फिफ्थ नंबर पार्ट क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं कि एक भी चित्र प्रकट ना हो, एक भी चित्र प्रकट ना हो, तो इसका मतलब क्या है? कि एक भी चित्र पट आएगा, क्या आएगा? पट आएगा। तो एक ही कंडीशन है, तीनों पट हो, चित्र आने की प्रोबेबिलिटी मतलब पट होनी चाहिए। ठीक, तो तीनों क्या जा रहा है? ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब ई एफ जी एच आई जे, तो पी डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, ठीक है, एक बटे आठ। सिक्स की प्रोबेबिलिटी कितना जाएगा? देखो सिक्स में क्या है, तीन प्रकट, तीन पट प्रकट होना, तीन पट, तीन पट के लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तीन पट एक ही बार है ना? यस सर। जे के बाद क्या आता है? के इक्वल टू एक बटे आठ। सेवन, सेवन कह रहे हैं कि तथा दो पट होना चाहिए, दो ही पट हो, दो से ज्यादा ना हो। ठीक है ना, दो पट कितने हैं? इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, कितने इवेंट्स हो गए? कितने, सॉरी कितने संभावना है? तीन है। ठीक है ना, यहाँ पे P K के बाद क्या होता है? L। ठीक है ना, क्या जाएगा? तीन बटे आठ। ठीक है ना, ऐसे आठवां नंबर क्या जाएगा माना? दो पट। आठवां नंबर हो जाएगा कोई भी पट, कोई भी पट प्रकट ना हो, कोई भी पट प्रकट ना होने का मतलब क्या है? कोई भी पट प्रकट ना हो। देखो ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था किसकी? पट प्रकट होने की, सॉरी तीन प्रकट, पट प्रकट होने की। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं निकालना कि कोई भी पट प्रकट ना हो, कोई भी पट प्रकट ना होने का मतलब क्या है? हेड होनी चाहिए। तो हेड की एक ही कंडीशन है जिसमें पट नहीं है, कोई भी पट नहीं है, एक है। तो क्या जाएगा? पी एल एम इक्वल टू कितना? एक बटे आठ। ठीक है, और नवा नंबर है अधिकतम दो पट प्रकट हो, दो पट अधिकतम दो पट प्रकट हो, अधिकतम अधिकतम कह रहे हैं दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, नहीं हो सकते हैं। तो कितना होगा? जैसे इसमें हमने निकाला था ना अधिकतम दो चित्र, कितने इवेंट्स आए थे? सात। ऐसे अधिकतम दो पट कितने इवेंट्स आएंगे? सात। कौन कौन सा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। जीरो पट भी हो सकता है, एक पट भी हो सकता है और दो पट भी हो सकता है। कुल कितने इवेंट्स हो जाएंगे? सात। तो सात बटे आठ इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। खत्म। फिश पैसा आ जाओ, काय का पैसा आ जाओ, पैसे तो अभी आपने देने हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है कि किसी, यदि किसी घटना ए की प्रायिकता दो बटे ग्यारह है तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दे रखा पी ए की प्रोबेबिलिटी दो बटे ग्यारह, तो पी ए नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा? वन माइनस पी ए इक्वल टू वन माइनस दो बटे ग्यारह, तो नौ बटे ग्यारह चुना जाता है ठीक ना। तो कह रहे हैं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक वॉवेल्स है, दूसरा एक कॉन्सोनेंट है। देखो एसेसिनेशन है ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन एसोसिएशन। देखो इसमें वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स मतलब वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह है सर जी, ठीक है। एंड कॉन्सोनेंट सिक्स वो सेवन, क्योंकि सात छह तेरह होते हैं ना, दो तेरह चार छ सात आठ है, छह सात एक दो तीन सात चार पांच छह सात है, तेरह है ना, पूरा टोटल तेरह। व्यंजन कितना हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट्स हो गए सेवन। इसमें से कह रहे कि सबसे पहले एक वोवेल्स को चूज किया जाता है, तो उसको चुनने के क्या तरीके हैं, उसको चुनने के कितने तरीके होंगे, उसको चुनने के कितने तरीके होंगे। हाँ तो आसानी की बात है ना, छह बटे तेरह, छह बटे अरे चुनने के तरीके, चुनने के तरीके, कितने चुनने की कितनी प्रैक्टिस है, एक वोवेल्स को चूज कर रहे तो हम तेरह बटे छह कर देंगे, छह बटे तेरह कर देंगे। एक मिनट, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा कॉम्बिनेशन, देखो ये लाइन है तो फर्स्ट जो टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल अक्षर कितने हमारे पास, तेरह, ठीक है। फर्स्ट स्वर को वोवेल्स को एक वोवेल्स को, ठीक है, को चुनने की प्रायिकता कितने वोवेल्स है, कितने वोवेल्स हमारे पास छह, तो छह बटे कितना जाएगा तेरह। सेकंड एक व्यंजन को चुनने की प्रायिकता, देखो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, व्यंजन कितने हमारे पास सात, टोटल कितने हैं तेरह, तेरह में से सात में से किसी एक को चुनना है तो कितना सात बटे तेरह, है ना, क्योंकि एक निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी सात बटे कितना जाएगा तेरह जाएगा सिंपली, ठीक, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं सात है, तो अनुकूल संभावित परिणाम कितने हो गए सात, और कुल संभावित परिणाम कितने हो गए तेरह। वोवेल्स को चूज करें तो अनुकूलित परिणाम कितने हो गए छह, और संभावित कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, कैसे पता चलेगा है, कैसे पता चलेगा, वोवेल्स का मतलब क्या होता है, ए आई ई ओ यू, पांच वोवेल्स होते हैं ना, ठीक है, इसमें देखो ए कितनी बार है, तीन बार ए है, आई दो बार है और ओ एक बार है, तो टोटल कितना हो गए छह हो गए ना। देख ये आई सॉरी ए ए आई ए आई ए कितना हो, एक दो तीन चार पांच छ, कितना वोवेल्स होंगे छ होंगे, है हाँ। उसके अलावा जो भी बचेगा ए आई ई ओ यू को छोड़ के सभी क्या है कॉन्सोनेंट्स है, दोनों का अलग निकालना होगा, हाँ दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना। देखो क्वेश्चन नंबर ग्यारह जो कह रहे कि एक लॉटरी में एक व्यक्ति एक से बीस तक की संख्याओं में से छह भिन्न भिन्न संख्या यदृच्छ चुनता है, यदि ये चुनी गई छह संख्या उन संख्याओं से मेल खाती है जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीतता है, लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। क्या कह रहे कि एक लॉटरी में एक व्यक्ति एक से बीस तक की संख्याओं में से छह भिन्न भिन्न संख्याएं यदृश्य चुनता है, ये चुनी गई छह संख्याएं उन छह संख्याओं से मेल खाती जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, वह व्यक्ति इनाम जीतता है, और इसके इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कह रहे कि बीस नंबर है, कितने नंबर है बीस नंबर, एक से लेकर बीस तक, उसमें से छह नंबर्स को निकालता है, मतलब लॉटरी जो खरीदता है उसमें से छह नंबर को क्या करता है खरीदता है, छह नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे दस बारह पंद्रह एक चार, इस तरीके के छह नंबर्स उन्हें चुन लिया है, कह रहे कि एक नंबर को निकालता है वो इनाम जीतता है, तो उसके इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो इसमें कुल संख्या कितने हैं, कुल संख्या है बीस, क्योंकि एक से लेकर बीस तक है ना, ठीक। अच्छा अब जो व्यक्ति नंबर चुनता है वो भिन्न भिन्न संख्या, तो अनुकूलित परिणाम कितने हैं, अनुकूलित पूर्व निर्धारित का मतलब ये होता है ना सर जी, जो पहले से रख दिया गया ये नंबर आ गया है तो मतलब आप विजेता है, ये होता है ना पूर्व निर्धारित, तो पहले से जो निर्धारित कर रखा गया है पहले से वो नंबर जीतने के लिए ना, जीतने के लिए, ठीक है। अनुकूलित परिणाम कितने हैं, अनुकूलित परिणाम है हमारा कि छह, क्योंकि छह नंबर उसने खरीदा है, ठीक। तो इसकी प्रायिकता कितना जाएगा, सिंपली प्रायिकता पीई से रिप्रेजेंट कर लेते इसको, तो पीई बराबर छह बटे
20, ठीक, दो से कटेगा, तीन दुना छह बटे दस, तीन बटे दस इसकी प्रोबेबिलिटी है, खत्म। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे कि जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकता ए और बी युक्त संगत परिभाषित की गई है। जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकता ए और बी युक्त संगत कॉन्सिस्टेंटली परिभाषित की, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी इंटरसेक्शन पी दे रखा है, तो फर्स्ट पी ए दे रखा है कितना 0.5, पी बी दे रखा है कितना 0.7 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना देखा 0.6, ठीक। क्या कह रहा है ये सभी कंसिस्टेंटली, हाँ परिभाषित है नहीं है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस सॉरी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये 0.5 प्लस 0.7 माइनस 0.6 तो 7 5 12 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.6 मतलब ये लेस देन 1 है, ठीक ना, और माइनस में भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी दे रखे वो युक्ति संगत है। मजे की बात समझ नहीं आ रही, मतलब ए यूनियन बी की टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकाले, ए और बी की टोटल प्रोबेबिलिटी ये 1 से ग्रेटर अगर हो जाता तो युक्तिसंगत नहीं होता, मतलब ये कंडीशन जो है वो हमारा फ्लॉप होता है, ठीक ना, अगर माइनस में होता तो भी ये क्या जाएगा हमारा फ्लॉप होता, लेकिन ये किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है और 1 से लेस है, तो इसका मतलब ए और बी हमारा क्या है युक्तिसंगत है, मतलब ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ए और बी की टोटल प्रोबेबिलिटी में। सेम इसका सेकंड पार्ट पुट कर लेना, ठीक, 13 का देखो, 13 का फर्स्ट पार्ट है पी ए का वैल्यू दे रखा है बराबर 1/3, पी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखा है कितना 1/15, तभी पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। देख ये जो पी ए प्लस पी बी प्लस सॉरी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो पी ए कितना 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15 कितना है एलसीएम कितना जाएगा इसका 15 कितना जाएगा 15, तो 5 किया 15 माइनस का 15 कम 15 5 और 3 8 8 माइनस 1 7 7/15 ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट खुद कर लो, क्या सेम पी ए दे रखा है पी बी दे रखा है, किसी में यूनियन दे रखा है इंटरसेक्शन निकालना है, किसी में इंटरसेक्शन दे रखा है यूनियन निकालना है, ठीक है हो जाएगा। नोट कर लेना, आज मजा आ गया, आग लगा दी। 13 के क्वेश्चन में 14 दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, पी ए की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, पी ए की प्रोबेबिलिटी है 3/5, पी बी की प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1/5, दिया गया है मतलब पी ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी दिया गया है, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है तो पी ए या बी की प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पी ए या बी, ए या बी का मतलब क्या पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी जो है वो हमारा अपवर्जी घटना है, तीन एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, जब ए एंड बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स है देन वी नो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है इंटरसेक्शन 5 होता है, इट मींस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0 होगा, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस क्या होगा पी बी, ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, उसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं जिनके इंटरसेक्शन क्या होते हैं 5 होता है, उसको ये था अपवर्जी जी घटना कैसे जो 5 है रिक्त समुच्चय तो प्रोबेबिलिटी तो 0 ही होगा ना, कुछ है ही नहीं इसमें एलिमेंट, तो उसको 0 होगा, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क क्या पड़ेगा,
फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको हटा दिया हमने। एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिखा जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस ए बी। एक्सक्लूसिव इवेंट्स में दोनों को जोड़ देंगे तो तीन और एक चार, चार बटे पांच खत्म है क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खत्म खत्म क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, मजे में आ गया सर जी। ई और एफ घटना इस प्रकार है कि पीई दे रखा है एक बटे चार, पी एफ इक्वल टू दे रखा है एक बटे दो, और कह रहे कि पी ई और एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखा है कितना एक बटे आठ। तो कह रहे कि पी ई या एफ, पी ई नहीं और एफ नहीं की प्रोबेबिलिटी। देखो हमें सबसे पहले ई दे और दे रखा है ना, तो इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना दे रखा है 1/8। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है किसकी, या की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। जब या की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ए की प्रोबेबिलिटी कितने चार, एक बटे चार प्लस एक बटे दो माइनस एक बटे आठ, ठीक ना। एक बटे चार, एक बटे दो और एक बटे आठ। देखो जोड़ दो एल से बचेगा हमारा आठ, चार दुना आठ, चार दुना आठ, आठ एक कब आठ, छह छह माइनस एक पांच, पांच बटे आठ इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया। अच्छा हमें दूसरा प्रोबेबिलिटी निकालना है सेकेंड, पी ए नॉट सॉरी ए नहीं है, गलती गलती में मैंने प्रोबेबिलिटी ई नॉट माइनस क्या जाएगा सॉरी और दे रखा है या क्या दे रखा है, और दे रखा है तो इंटरसेक्शन में जाएगा इंटरसेक्शन एफ नॉट की प्रोबेबिलिटी। देखो ये दोनों के नॉट की प्रोबेबिलिटी है तो ये जाएगा पी ए सॉरी ई यूनियन एफ नॉट की प्रोबेबिलिटी। चलो याद रखना साइड में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, जो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू होता है पी सॉरी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी का नॉट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, दोनों के नॉट इक्वल टू यूनियन की नॉट, ठीक है। इसकी नॉट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस पी ए यूनियन एफ, ठीक ना। ये डैश है ना, डैश का मतलब क्या नॉट, ठीक ना। नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्या करते हैं हम 1 माइनस करते हैं, तो 1 माइनस हमने इंटरसेक्शन ए यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाली कितना 5 बटे 8, 5 8 एकम 8 माइनस 5 कितना 3 बटे 8 खत्म है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 फिर कल खत्म कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है कि घटना ई और एफ इस प्रकार है। देखो पी ई नॉट और एफ नॉट और का मतलब क्या इंटरसेक्शन एफ नॉट की प्रोबेबिलिटी तो रखे 0. अरे बात नहीं तो बताइए कि परस्पर E और F परस्पर अपवर्जी है या नहीं, परस्पर अपवर्जी है या नहीं। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी ये किसके बराबर जाएगा, ये जो P E इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन, यहां पे याद रखा और दे रखा है या होगा, यहां पे और की जगह ना क्या होगा या होगा, ठीक है ना। आप और लिख रखा ना उसको कट करके और वो लिख देना, जल्दी कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन वहां पे या होगा 16वें नंबर में, ठीक है। और का मतलब क्या और दे रखा ना उसको कट करके क्या लिखना या कहां पे लिखी ए और एफ नहीं ई नॉट और एफ नॉट दे रखा उसने तो या है और को कट करके या कर लेना तो यूनियन हो जाएगा। अब इसका यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालना ना तो इसके इंटरसेक्शन की नॉट की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन नॉट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना 0.25। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 माइनस तो पी ई यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.25। पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना जाएगा 1, इसको उठा के इधर भेज देते, इसको उठा के इधर भेज देते,
तो 1 माइनस 0.25 तो कितना आएगा 0.75। इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर 0 होता तो इवेंट्स क्या होते दोनों एक्सक्लूसिव होते हैं, अपवर्जी होते हैं। लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब घटना अपवर्जी नहीं है। तो लिख देंगे अपवर्जी नहीं, ठीक है। मुझे वो जोड़ना घटाना समझ नहीं आ रहा, जोड़ना घटाना तुम्हें समझ में आ जाएगा, कर लो राइट वाली है।